वेलकम टू द बेसिक्स एकेडमी स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्टिविटी पैसिव वॉइस की क्लास 9 है और आज हम स्टडी करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे फॉर्म किया जाता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपको हम बताते हैं थोड़ा सा इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट किए जाते हैं। ओके, जो वर्ब से स्टार्ट किए जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो अब आप देखिए इनके लिए इसमें बहुत सारे तरह के सेंटेंसेस आते हैं, तो इनका कोई डेफिनेट एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस पर किस तरह का सेंटेंस है। तो इसीलिए हमने आपको डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। आप देखिएगा पहला सेंटेंस हम लेते हैं इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस का स्टूडेंट्स, ओपन द डोर। क्या सेंटेंस है स्टूडेंट? ओपन द डोर, दरवाजा ओपन करो। तो आप जानते हैं जो वर्ड ओपन लिखा हुआ है यहाँ पर डेट इज वर्ब। ओपन क्या है? वर्ब है। तो ये सेंटेंस आप किससे स्टार्ट हो रहा है? देखिए ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंपेरेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स जो जिससे हम कह रहे हैं, जिससे कहा जाता है, जो इसका सब्जेक्ट है, जिससे ये बात कही गई ओपन द डोर, वो इसमें एक्चुअली हिडन रहता है। अगर एक जब सपोज मैं किसी से कहता हूँ ओपन द डोर, मैं किसी पर्सन से कह रहा हूँ, तो वहां पे इसलिए इसका जो हिडन सब्जेक्ट है उसको हम मोस्टली क्या लेते हैं? यू लेते हैं। तो आप इसमें देखिए ओपन द डोर, ये जो सेंटेंस है ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और ये एक्टिव वॉइस में। तो इसका अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर तो स्टूडेंट्स वो होता है एक्टिव वॉइस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। V1 क्या है यहाँ पे? ओपन, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? द डोर। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब आप इसमें देखिए जब हम इसको पैसिव वॉइस में फॉर्म करते हैं तब हम इसको लेट से भी फॉर्म करते हैं और शुड से भी करते हैं। मैं आपको दोनों मेथड्स बताते हैं। तो लेट से जब इसको हम फॉर्म करेंगे तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो बन जाता है फिर जैसे इसका स्ट्रक्चर था V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसका बन जाता है लेट, लेट प्लस V1 प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आप देखेंगे द डोर इसका ऑब्जेक्ट है तो वही यहां पर भी ऑब्जेक्ट रहेगा। तो लेट द डोर यानी कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 ये पैसिव वॉइस का इंपेरेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरह के जो जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनका जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा इसका जो होगा क्या होगा वो डेट इज V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस में पैसिव में होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। तो सेंटेंस क्या बना हमारा पैसिव वॉइस का स्टूडेंट्स? लेट द डोर बी ओपन, V3 ही आता है। आप हम पर जा रहे अगर हम आपने हमारी पहली वाली क्लास अटेंड किए तो आपको मालूम है पैसिव वॉइस में सभी में V3 का यूज किया जाता है, वर्ब केवल एक ही फॉर्म यूज होती है दैट इज थर्ड फॉर्म V3 पास्ट पार्टिसिपेट फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है आप देखिए स्टूडेंट्स, तो इसी इसको देखिए हेल्प द पुअर। ये हेल्प क्या वर्ड यहां पर? वर्ब है। द पुअर इसका यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस में है। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर, ये एक्टिव वॉइस में। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? इसको हम लेट से बना सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस सेंटेंस बनाया था। तो अगर हम लेट से बनाते हैं तो क्या बन जाएगा ये सेंटेंस? लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। और इसको हम शुड से भी बना सकते हैं। जब हम शुड से बनाते हैं पैसिव वॉइस में तो जो स्ट्रक्चर बन जाता है वो बन जाता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3। ओके, तो यहां पर जो लफ्ज को हम शुड से बनाएंगे तो क्या बनेगा सेंटेंस? द पुअर शुड बी हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प, ये इसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना। अब आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ये सेंटेंस भी हमारा एक्टिव वॉइस का वर्ब से स्टार्ट होगा, तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी एक्टिव वॉइस में। अब आप यहां पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं दैट इज प्लीज, ये जो वर्ड प्लीज आप इसको नोटिस करें। यहां पर ऐसे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में जो प्लीज से स्टार्ट होते हैं अगर उनको हमें बनाना होता है स्टूडेंट्स इसमें पैसिव फॉर्म में, तो प्लीज से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम बनाते हैं उसमें हम एक फ्रेज लेकर आते हैं एंड दैट इज यू आर रिक्वेस्टेड।
वो जो फ्रेज होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, यू आर रिक्वेस्टेड। जैसे अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं, इसके अलावा भी लेते हैं, प्लीज गिव मी अ पेन। क्या सेंटेंस लिया हमने स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दे। तो इसी सेंटेंस को अगर हमें पैसिव में बनाना है तो हम क्या कहेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। ओके, तो यहां पर ये सेंटेंस है प्लीज डोंट, ये नेगेटिव है, ये जब हमने लिया था प्लीज गिव मी अ पेन, इसमें नॉट नहीं था, लेकिन यहां पर आप देखें तो ये हमारा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, इसमें नॉट है तो ये नेगेटिव है। तो इसमें हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसका, यू आर रिक्वेस्टेड फ्रेज हम लाते हैं जो सेंटेंस पी से स्टार्ट होता है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का। तो ओके स्टूडेंट, तो आप ध्यान दीजिएगा ना, जैसे कि हमने आपको बताया कि इनका कोई एज सच कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखिए, वर्क हार्ड, सिंपली हमने बोला वर्क हार्ड। अगर आप देखें वर्क हार्ड, इसमें दो वर्ड आते हैं, वर्क और हार्ड, ये वर्क है और ये हार्ड होगी इसकी एडवर्ब, तो वर्क हार्ड एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। अगर आप इसमें ये देखेंगे इससे क्या सेंस आ रहा है, ये जो हमारे सेंटेंस होते हैं इनमें सेंस भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट से कहा वर्क हार्ड, तो इसके इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो सेंस आता है वो एडवाइस का आता है, उन्होंने क्या उसको सलाह दी, तो जब सलाह दी तो उसमें जो फ्रेज हम यूज करते हैं दैट इज यू आर एडवाइज्ड। जैसे प्लीज में हम फ्रेज यूज करते हैं स्टूडेंट्स, यू आर रिक्वेस्टेड, सिमिलरली हम इसमें हम क्या यूज करेंगे, यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दी जाती है। क्या सलाह दी जाती है, टू वर्क हार्ड, क्या मेहनत करें, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ये हमारा स्टूडेंट इसकी पैसिव फॉर्म होगी, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। ओके, इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कोई डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा अगर टेक मेडिसिन ऑन टाइम, क्या कहा डॉक्टर ने पेशेंट से, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, यानी कि वो उसको एडवाइस कर रहे हैं, तो इसको पैसे वॉइस बनाएंगे तो क्या कहेंगे हम, यू आर एडवाइज टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ओके, सिमिलरली आप देखिए सेंटेंस है नेक्स्ट हमारा स्टैंड अप। अब आप इसमें देखिए स्टैंड अप, क्लास में टीचर्स स्टूडेंट से कहते हैं, या आप अगर एनसीसी में हैं तो एनसीसी के जो कोच होते हैं वो भी वो अगर कहते हैं अपने किसी कैडेट से कि स्टैंड अप, तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एडवाइस नहीं है, यहाँ पर जो सेंस है वो ऑर्डर का सेंस है, वो ऑर्डर का सेंस है, इसलिए यहाँ पर हम जो फ्रेज यूज करेंगे दैट इज यू आर ऑर्डर्ड, आपको ऑर्डर दिया जाता है, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, ये इसका पैसिव वॉइस होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट्स, जो एक तरह के सेंटेंस में और आते हैं बहुत ही कॉमन है, वो होते हैं जिसमें कि अस आता, लेट अस आता है, तो सेंटेंस है हमारा लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस वर्क टुगेदर। तो आप इसमें देखें इसमें किसकी फीलिंग, इसमें जो सेंस है वो क्या आ रहा है, सेंटेंस का मतलब हुआ लेट अस वर्क टुगेदर, चलो मिलकर काम करते हैं, इसमें जो सेंस है वो सजेशन का आ रहा है स्टूडेंट्स, किसका आ रहा है इसमें सेंस, सजेशन का आ रहा है। तो देखिए लेट अस वर्क टुगेदर, जब लेट अस आता है तो मोस्टली हम उसको देखते हैं क्या इसमें सजेशन का सेंस आ रहा है, अगर सजेशन का सेंस आ रहा है तो हम उसमें जो फ्रेज यूज करते हैं स्टूडेंट्स वो है इट इज सजेस्टेड, क्या फ्रेज है स्टूडेंट्स, इट इज सजेस्टेड, और उसके बाद में क्या सजेस्ट किया गया, दैट, तो जब यूज करेंगे दैट का कंजंक्शन दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, उसके बाद में जैसे कि आप हमने अस है जब इसके सब्जेक्टिव फॉर्म बनाते हैं तो दैट इज वी, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टुगेदर, ये सजेस्ट किया जाता है कि हम सब मिलकर काम करें, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टुगेदर, ये इसका पैसिव फॉर्म हुआ।
तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस थे जैसे कि हमने आपको बताया था इसका कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होता, इस पर ही सारे सेंटेंस डिपेंड करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो किस सेंटेंस में क्या सेंस आ रहा ये उस पर डिपेंड करता है, और उसको हमने यहां पे जो कॉमन हमारे बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने वाले सेंटेंसेस होते हैं वो हमने यहां पे इंक्लूड किए हैं सभी। तो ये आज हमने किया पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिव पैसिव का ही कुछ और अभी बचे हुए टॉपिक्स उनको हम कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।